स्टूडेंट्स आइए बच्चों, आज आपको हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाऊंगी जिसका नाम है रस। ये हिंदी ग्रामर का क्लास 10 की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 4 या 5 मार्क्स का नंबर का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्लास 10 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से रिलेटेड 4-5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पूरा वीडियो को आप देखिएगा और इस रस चैप्टर को हम 2 पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि एक साथ अगर हम बच्चों पूरा पढ़ा देंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसमें हम रस के बारे में बताएंगे और इसके जो अंग होते हैं उसको हम बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में रस के जो प्रकार होते हैं उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये रस क्या होता है। बहुत आनंद के साथ, मज़े के साथ इस चैप्टर को एकदम सरल भाषा में हम बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना आनंद के साथ। तो बच्चों सबसे पहले आपको जानना है कि ये रस क्या होता है। बच्चों रस का मतलब होता है आनंद। देखिए रस का परिभाषा, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि रस का मतलब होता है आनंद। जब कोई भी काव्य हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं आनंद के साथ, वही होता है रस। अतः जिस काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अगर कोई भी काव्य में अगर रस ना रहे तो उसको पढ़ने में आनंद नहीं आती है, मज़ा नहीं आता है, इसीलिए उस काव्य में रस डाला जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि ये रस का जो अंग है वो क्या होता है। अगर नस, जैसे शरीर में, जैसे शरीर में आत्मा नहीं रहने से वो शरीर क्या है, वो मरा हुआ है, उसी प्रकार अगर काव्य में रस नहीं रहेगा तो वो पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि रस के क्या क्या अंग होते हैं। बच्चों अब हम जानेंगे रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव और चौथा है संचारी भाव। तो चलिए एक एक करके हम जानेंगे कि ये क्या होता है, यानी स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभव किसे कहते हैं और संचारी भाव किसे कहते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर स्थायी भाव, यानी रस का जो अंग है उसका पहला है स्थायी भाव। स्थायी बच्चों, स्थायी मतलब क्या होता है, परमानेंट। अब भाव मन में, भाव का मतलब हमारे मन में जो है, यानी हर एक मनुष्य के मन में बहुत प्रकार के भाव रहते हैं, लेकिन वो कैसे रहता है, सोया हुआ। हमेशा उस भाव को हम लोग प्रकट नहीं करते हैं, हालांकि सभी के मन में कुछ ना कुछ भाव रहता है। जैसे गुस्सा सभी के मन में है, लेकिन हमेशा हम क्रोध नहीं दिखाते हैं, गुस्सा नहीं दिखाते हैं। ऐसे अवसर आता है जैसे हमें कोई बुरा भला कह दिया और हमारे मन में क्या होता है, उस बात को सुन करके बहुत गुस्सा आ जाता है। कभी कभी हमें बहुत दुख होता है, अगर कोई ऐसे घटना हो गया तो हमें दुख होता है। यानी हर एक के मन में ये स्थायी भाव रहता है, लेकिन समय आने पर वो प्रकट हो जाता है। तो स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव, इसको प्रधान भाव कहा जाता है। किसको, स्थायी भाव को। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, यानी ये जो प्रधान स्थायी भाव को क्या कहा गया है, प्रधान भाव, और यही रस में प्रकट हो जाता है समय आने पर। स्थायी भाव व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। हर एक इंसान के मन में कुछ ना कुछ भाव जरूर है जिसको हम स्थायी भाव कह रहे हैं, परमानेंट।
यद्यपि वो सुप्त अवस्था में, सुप्त मतलब सोया हुआ, वो सुप्त अवस्था में रहता है, तथापि उचित अवसर पर जागृत होकर ये रस के रूप में परिणत हो जाता है। यानी हर एक के हृदय में, हर एक के मन में ये जो भाव है वो रहता है, स्थायी भाव रहता है, सुप्त अवस्था में, सोया हुआ अवस्था में। हमेशा इंसान अपना भाव को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन उचित अवसर आने पर वो जागृत हो जाता है और रस के रूप में वो परिणत हो जाता है। उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव रस का आधार है, स्थायी भाव रस का आधार है। अभी चलिए हम सेकंड में पढ़ लेते हैं। हाँ बच्चों, हम दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे विभाव। इसके आगे मैंने स्थायी भाव बता दिए। बच्चों आपने जान लिया कि स्थायी भाव क्या होता है, जो हर एक के मन में जो भाव रहता है, परमानेंटली जो भाव रहता है वो होता है स्थायी भाव, और मोमेंट आने पर वो जग जाता है, वो जागृत होता है, तब उसे क्या कहते हैं हम, स्थायी भाव। अब दूसरा हम जानेंगे ये विभाव क्या होता है। जो कारण, व्यक्ति या कोई भी वस्तु पदार्थ हो, दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जो जागृत करता है, उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। मान लीजिए बच्चे आप क्लास में हैं, आप सब क्लास में हैं, और अचानक आपके क्लास में प्रिंसिपल सर घुस जाते हैं, तो आप लोगों का मन में कैसे हलचल मच जाता है। तो उनको देख करके आप लोगों को डर लगने लगता है, पता नहीं सर अभी हम लोगों से क्या सवाल पूछ लेंगे, हम लोग से होगा कि नहीं होगा, नाना प्रकार का। यानी मान लीजिए कोई बदमाशी करते रहता है क्लास में, टीचर्स नहीं है, बदमाशी चल रहा है, तो सर को देख करके वो डर से चुप हो जाता है। तो ये जो कारण, ये जो सर आए और ये जो डर पैदा हुआ, ये जो कारण हो गया, उसके आपके मन में जो भाव जागृत हुआ, उनको देख करके, प्रिंसिपल सर को देख करके, जो आपके मन में जो पैदा हुआ, जो भी भाव पैदा हुआ, तो वही क्या हो जाता, विभाव। यानी जो कारण हुआ डरने का, जो भी कारण हुआ, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, तो वही हो जाता है विभाव। अचानक आप घर पे हो और कोई, मान लीजिए कोई एक सांप घुस गया, तो क्या हुआ, आप डरने लगे, तो वही हो जाएगा जो कारण होता है डरने का। जो कारण हो गया, सांप को देखकर आप डर गए हैं, तो ये जो कारण हो गया, यही हो जाता है विभाव। जो कारण, व्यक्ति चाहे पदार्थ आदि, दूसरे के हृदय में स्थायी भाव को जागृत कर देता है, उनको देख करके जो आपके मन में जो हलचल पैदा हुआ, जो भाव उत्पन्न हुआ, वही कारण हो जाता है विभाव। क्लियर। अब ये विभाव के दो भेद होते हैं, क्या होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। पहला देखिए, आलंबन क्या होता है, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति या वस्तु को आप देखे हैं, ठीक है, कारण कोई भाव जागृत होता है, आप जिसको देखे हैं, चाहे आप प्रिंसिपल सर को देख के जो आपका मन में जो डर आया, या सांप देख के जो डर आया, तो जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। यानी जो आप सांप देख के जो डर गए, किसको देखकर डरे थे, सांप को देखकर, प्रिंसिपल सर को देखकर, तो जिस भी व्यक्ति को देखकर, यानी प्राणी को देखकर, जो आपके मन में जो पैदा हुआ था भाव, जिसको देखकर, वही व्यक्ति हो जाएगा आलंबन। क्लियर। अब ये आलंबन विभाव के फिर दो पक्ष होते हैं, क्या क्या होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जो देखा यानी आपने प्रिंसिपल सर को देखे या सांप को देखे, तो आप हो गए आश्रयालंबन। जिन्होंने देखा वो हो गया आश्रयालंबन, और जिनको देखा, यानी जो विषय था, जो कारण था, आपने जिसको देखा, सांप को देखा, प्रिंसिपल सर को देखे, ठीक है, वो हो गया विषयालंबन। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं।
अब विभव का दूसरा भेद पढ़ते हैं उद्दीपन। आलंबन मैंने पढ़ा दिए, अब पढ़ेंगे उद्दीपन। उद्दीपन देखिए क्या होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त तथा तीव्र होने लगता है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी आपने सांप को देखा और आप डर गए और डर से आप कांपने लगे, यानी आपका हार्ट बीट एकदम तेज होने लगा। तीव्र मतलब क्या, तेज होना। जो तेज होने लगा, डर से आप कांपने लगे हैं। कोई कोई डर से एकदम क्या करता है, कांपने लगता है। कोई कोई एकदम बेहोश होने जैसा होने लगता है, एकदम उसका जो मन का जो भाव है वो तेज होता है, हार्ट बीट चलने लगता है, डर से कांपने लगता है, वही होता है उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन समझ में आया। जिन भी वस्तुओं को या उस परिस्थिति को देखकर जो मन में जो जो भाव है वो जब तेज हो जाता है उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुभव। विभाव के बाद अनुभव। आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होता है। यानी विभाव क्या बोले थे, जिसको देख करके जो कारण था वो होता है विभाव। यानी आपने सांप को देखे, आप डर गए, डर आपका कारण था और उसके बाद ही जो शरीर में जो हलचल पैदा होता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, नाना प्रकार का उसमें हलचल होने लगता है और वही होता है अनुभव। यानी इतना याद रखिए कि विभाव के बाद ही होता है अनुभव, विभाव के बाद उत्पन्न हो जाता है अनुभव। ठीक है, और अनुभव के दो भेद होते हैं, एक क्या होता है कायिक और दूसरा स्वातिक। कायिक अनुभव और दूसरा स्वाति। यानी कायिक मतलब शारीरिक, यानी ये जो आपने सांप देखे, ठीक है, और आप डर गए और डर से जो आपका शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन होने लगा, यानी शरीर एकदम कांपने लगा, डर से आप कांपने लगे और थरथराने लगा, ये जो शारीरिक जो आपका चेंजेस आने लगा इसी को हम कायिक कहते हैं। और इसी तरह मानसिक भी, मन में भी हलचल, शरीर में मस्तिष्क से आप सोचने लगते हैं अब क्या करें, अब ये तो सांप आ गया है, इसको कैसे मारे, कैसे भगाएं, हम कहाँ भागे, नाना प्रकार का आपका मन में हलचल मचने लगता है, वही होता है मानसिक। यानी कायिक और स्वाति ये अनुभव के दो भेद होते हैं। अब चलिए बच्चों, हम लास्ट फोर्थ नंबर में पढ़ते हैं संचारी भाव। ये क्या होता है, संचारी भाव का अर्थ जो स्थिर नहीं है, यानी मन में जो भाव उठा वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहेगा, वो भाव होगा और वो खत्म भी हो जाएगी। वे विकार जो आलंबन और के मन में उत्पन्न होते हैं और वो विलीन हो जाते हैं। यानी मन में वो भाव जगता है, अवसर होने पर वो भाव जगता है लेकिन वो खत्म हो जाते हैं, वे किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं होते, वो परमानेंटली नहीं होता। यानी आप जैसे सांप को देख के आप डर गए, ठीक है, तो उस मोमेंट के लिए आप डरे, ये तो नहीं है कि आप हमेशा डर ही रहे हो, ऐसा बात नहीं है, वो खत्म हो जाती है, तो उसे हम संचारी भाव कहते हैं। जिस प्रकार नदी में बुलबुले उठते हैं और लुप्त तो होते हैं, यानी वो वैनिश हो जाता है, उसी प्रकार संचारी भाव स्थायी भाव में लुप्त हो जाता है। इनकी संख्या 33 होती है, 33। जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, अशुआ, मद, भय, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मा, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अभिद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर, संचारी भाव कहे जाते हैं। यानी इतना जान लीजिए कि जो संचारी भाव होता है वो स्थायी नहीं होता है, कभी कभी मन में जागता है, ये भाव पैदा होता है और वो खत्म हो जाती है।
तो बच्चों आपने जान लिए कि ये संचारी भाव क्या होता है। संचारी भाव जो स्थिर नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, वे विकार जो आलंबन और आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं, उन्हें ही संचारी भाव कहा जाता है। इतना ही आपको याद रखने से हो जाएगा। और वे संख्या में 33 होते हैं, इतना आप जान लीजिए। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में आपको रस के जो अंग होते हैं उसको पढ़ा दिए। अंग मतलब अवयव। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि रस के अवयव से आप क्या समझते हो, तो रस के अवयव का मतलब होता है रस के अंग। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको रस के अंग पढ़ा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम रस के जो भेद होते हैं, 10 जो भेद होते हैं उसको आपको पढ़ाएंगे। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों आप बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसे लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रस के भेद के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।